हेलो वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और वो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कई बार सुना होगा और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बातचीत करते हैं तो हम बात करते हैं, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, हम बात कर रहे हैं डिफ्लेशन की। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी और कैसे आरबीआई कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करती है, कब इंटरेस्ट रेट घटाने की बात करती है, आरबीआई कब सीआरआर बढ़ाएगी, कब एलआरआर कम करेगी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन को कब ज़्यादा करेगी, कब करेगी, ये सारी बातों के बारे में बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं माय डियर, शुरुआत इस बात की चलती है कि जब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तो हर देश में सेंट्रल बैंक होती है और सेंट्रल बैंक जो अपनी पॉलिसी जो अपनी उसके टूल्स हैं, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले टूल्स हैं, वो टूल्स को कब कब यूज़ करती है और किस तरीके से यूज़ कर सकती है, तो उसको आप सिर्फ दो एरिया में जो है कर दीजिए, क्लासीफाई कर दीजिए कि दो कंडीशन हो सकती है। मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो वो जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो। दरअसल ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डिमांड है इसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज मार्केट में लोगों खर्च कितना कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज लोगों टोटल खर्च कितना कर रहा है, टोटल खर्च नॉट एवरेज, टोटल खर्च कितना हो रहा है। अब यदि से फॉर एग्जांपल की फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की यदि बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि हम मान लेते हैं हमारा टोटल लेवल ये हो सकता है और इस लेवल तक हमारी डिमांड नहीं है, मतलब मार्केट में इस लेवल तक चीजें नहीं बिक पा रही है, तो ये हो सकता है कि इससे नीचे के लेवल पर चीजें बिकेगी, राइट। एक कंडीशन तो ये हो सकती है जिसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम तो है लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, राइट। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो जहां होना चाहिए उससे जो है वो कम लेवल पर है, तो एग्रीगेट डिमांड जब कम हो, एग्रीगेट डिमांड जब डिजायर्ड लेवल से या जो इक्विलिब्रियम लेवल है उससे कम है, फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से कम है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन मार्केट में ये हो सकती है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, हम इसके जनरल बात भी करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई है ये तो, और ये रहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये मान लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो ये रहा। अब यदि जितना होना चाहिए फुल लेवल पर ये होना चाहिए, इससे यदि ज़्यादा भी हो सकती है डिमांड, तो इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो दो कंडीशन हो सकती है कि एक कंडीशन तो ये थी कि एग्रीगेट डिमांड उधर कम थी, इधर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। अब सिंपल वे में यदि हम बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि जितना लोगों को मार्केट में खर्च करना चाहिए, जितना लोगों को मार्केट में डिमांड करना चाहिए या जितनी चीज़ें बिकना चाहिए मार्केट में, लोगों को जितनी खरीदी करने की कैपेसिटी उनकी होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी वजह हो, वजह कुछ भी हो, यानी कि मार्केट में लोग खरीदी ही कम कर रहे हैं या खरीदी कम करना चाह रहे हैं, उनकी जो एक्सपेंसेस कैपेसिटी वो कम है, एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं फिलहाल, तो किसी भी वजह से जितना डिग्रेडेड डिमांड होना चाहिए उतनी नहीं है। अब उतनी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उतनी नहीं है इट मीन्स ये हुआ कि मार्केट में जब कोई खरीदी ही नहीं करेगा, जब डिमांड ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें बिकेगी नहीं। अब जब चीज़ें नहीं बिकेगी तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक रहेगा, जब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक रहेगा तो और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, यानी प्रोडक्शन को जितना करते थे उससे कम प्रोडक्शन करेंगे, जब कम प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो अगेन वापस आप एक्सपेंसेस कम करेंगे, यानी अगेन एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, तो इस तरीके से एक टाइप का एक ट्रैप, डिफ्लेशन ट्रैप चलने लग जाएगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है, इस वजह से अब आपके पास स्टॉक है तो आप आउटपुट भी जो है वो कम जनरेट करेंगे, आउटपुट भी कम जनरेट करेंगे तो जो है एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होने से इनकम भी जो है मार्केट में कम जनरेट होगी,
इनकम कम जनरेट होगी तो वापस एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी और इस टाइप का एक ट्रैक चल सकता है। अब ये सारा ये ट्रैक चलने की बात तो खैर अलग रही, जब तक यहाँ कुछ नया कुछ इन्वेस्टमेंट ना आ जाए तब तक जो है ये हालत जो है खराब से खराब होते जाएंगे। इसमें जब तक कोई एक कोई बड़ा सुधार ना हो जाए, इसमें कोई गवर्नमेंट को इंटरफेयर कर दे, इंटरनेशनल लेवल पर से कोई इंटरफेयर हो जाए या इसमें किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे दिया जाए, कुछ पॉलिसियों में चेंजेस कर दिया जाए, तो ये इसकी हालत सुधर सकती है। फिलहाल खैर मेरा पॉइंट ये नहीं है, फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिजायर्ड लेवल से कम हो, डिजायर्ड लेवल से कम है इट मीन्स ये है कि मार्केट में जो है क्या हो रहा है, चीज़ें कम चल रही है, कम बिक रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्लेशन का दौर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। तो ये जो गैप क्रिएट हो रही है इसको हम बोल सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसको क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि अभी डिफ्लेशन का दौर है, मार्केट में चीज़ें कम बिक रही है, लोगों के पास हो सकता है पैसे कम हो, किसी भी वजह से मार्केट में चीज़ें कम बिक रही है। और ये कौन सा दौर हो गया कि एग्रीगेट डिमांड जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, जब चीज़ें जितनी बिकना चाहिए उससे ज़्यादा की डिमांड आएगी, ज़्यादा लोग खरीदने वाले होंगे, ज़्यादा लोग खरीदने वाले होंगे तो होगा क्या, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। भाई आपके पास मान लीजिए दो नहीं, दो की जगह 10 ग्राहक आ रहे हैं, आना चाहिए थे दो ग्राहक, आ रहे हैं 10 ग्राहक या आ रहे हैं 5 ग्राहक 6 ग्राहक, ज़्यादा आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। इट मीन्स प्राइस बढ़ेगी, इसको हम सिंपल वे में इकोनॉमिक की लैंग्वेज में बोले तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस की एक चीज़ की बात नहीं है, पर प्राइस किसी एक चीज़ की हो सकती है, इन्फ्लेशन इट मीन्स ओवरऑल सभी चीज़ों की, ओवरऑल सभी चीज़ों की ऑन ऑन एवरेज मार्केट में जो है कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑन ऑन एवरेज मार्केट में जब कीमत बढ़ रही है तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, और उस वजह से जो गैप क्रिएट हो रही है इसका नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। अब इस कंडीशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए और इस कंडीशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में आरबीआई ने जो करना चाहिए वो और इस कंडीशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए वो, यही सब चीजों को मिला जुला करके हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी इट मींस ये कि जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के टूल्स हैं उन टूल्स को आरबीआई इन्फ्लेशन के दौर में और डिफ्लेशन के दौर में किस तरीके से यूज करती है। अब आरबीआई के पास जो टूल्स है वो टूल्स कौन कौन से हैं, वो टूल्स हैं सीआरआर और दूसरा है एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर दोनों को हम मिला ले तो ये बनता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। मान लो कि ये 10% है और ये भी यदि मान लो 10% है, जरूरी नहीं दोनों की हो सकता है कि मान लेते अपन की 15% हो, तो ये हो गया आपका 25%, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आरबीआई लोन दे, आरबीआई जो है कहीं की एक कंडीशन रख रही है कॉमर्शियल बैंक पर एक कंडीशन रख रही है कि जितनी भी उनके पास डिपॉजिट आ रही है कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आ रही है, आम पब्लिक जितनी भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस डिपॉजिट का सीआरआर बोले तो 10%, सीआरआर तो 10% तो कहाँ पहुँचाना है, आरबीआई के पास 10% तो आरबीआई के पास पहुँचाना है, मैं एक मान रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और 15% इनको अपने खुद के पास रखना है 15%। यानी कि क्या हुआ, यानी कि अल्टीमेटली ये लोन कितना दे पाएंगे, लोन दे पाएंगे ये 75% का, 25% पैसे का तो लोन बांट ना पाएंगे, क्योंकि 10% तो उनको पहुँचाना है आरबीआई के पास और ये अपने खुद के पास रखना है, कॉमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना है। यानी टोटल मिलाकर के 25% का ये लोन बांट नहीं पाएंगे, यानी कि 75% का लोन बांट पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप के टाइम की, जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो मार्केट में लोन ज़्यादा देना चाहिए कम देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। ज़्यादा क्यों देना चाहिए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा पैसा है इसमें लोगों के पास, जब ज़्यादा क्रेडिट होगा ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा खरीदी करेंगे, और अभी हमें ज़रूरत यही है कि लोगों ज़्यादा खरीदी करें, तो लोगों ज़्यादा खरीदी करें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, सिंपल वे में इसी बात हम बोल सकते हैं, और भी चीज़ें शामिल है विशेष में, लेकिन मैं सिंपल ही बात बोल रहा हूँ
क्योंकि जो बैंकों में लोगों के पैसे जमा हैं डिमांड डिपॉजिट के तौर पर और जो उनके पास करेंसी है, इसको आप मोस्ट लिक्विड वे में आप बोल सकते हैं ये करेंसी है, सॉरी ये मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई बढ़ेगी कब? जब लोन ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा लोन कब मिलेगा? ये 15% की जगह आप 10% कर दिया मान लो, तो ये कितना परसेंट हो गया? ये 20% हो गया। जब ये 20% हो गया इट मीन्स क्या? 20% ही हो गया, इट मीन्स ये हुआ कि 80% का जो है लोन बांट पाएंगे, राइट है कि नहीं? तो जब ज़्यादा लोन बांट पाएंगे तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, राइट। तो आई होप कि आपको ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा कि LRR की रेट जो है वो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में LRR की रेट कम कर देंगे, राइट। और जस्ट इसका अपोजिट क्या करेंगे? जब इन्फ्लेशन वाला टाइम है तो इन्फ्लेशन वाले टाइम में क्या करना चाहिए? इस रेट को बढ़ा देना चाहिए। जब इस रेट को बढ़ा देंगे तो लोन क्या होगा? कम मिल पाएगा। और इस कंडीशन में तो लोन कम ही बांटना है, इस कंडीशन में लोन ज्यादा बांटना है और इस कंडीशन में लोन कम बांटना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, तो उनकी मनी सप्लाई कम करो, कम करो। इट मीन्स क्या करना चाहिए? इट मीन्स ये करना चाहिए, एक मिनट, इट मीन्स ये करना चाहिए कि LRR को जो है उनको क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। LRR बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लोन जो है वो कम मिल पाएगा। मान लीजिए 30% कर दिया तो यहाँ पर लोन कितना मिल पाएगा? 70%। जब 70% लोन मिलेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर हम मनी सप्लाई क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर हम मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं। हर केस में हम मनी सप्लाई को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर हर केस में मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं। पहली बात रही। दूसरी बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको RBI सेल करती है। अब RBI सेल करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि सेल करेगी तो पब्लिक के हाथ में क्या जाएगा? सिक्योरिटी, और पैसा कहाँ चल जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, जब ऑलरेडी लोगों के पास पैसे कम है, तो ये जो सिक्योरिटी जो उन्होंने बेची होगी वो क्या कर लेना चाहिए? वापस परचेस कर लेना चाहिए। सिक्योरिटी परचेस कर लेंगे तो पब्लिक हाथ में पैसा चला जाएगा, राइट। इस समय क्या करना चाहिए? ज्यादा ज्यादा सिक्योरिटी सेल करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा सिक्योरिटी सेल करेंगे तो क्या होगा? पब्लिक के हाथ में सिक्योरिटी जाएगी और बैंक के हाथ में पैसा जाएंगे, क्योंकि इस केस में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इस केस में मनी सप्लाई को घटाना है। मनी सप्लाई को क्या करना है? घटाना ही है। हर केस में इसे मनी सप्लाई को घटाना है और इसमें मनी सप्लाई बढ़ाना है। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड टूल क्या होता है? RBI के पास एक टूल होता है जिसमें आप रेपो रेट बोल सकते हैं, रेपो रेट बोल सकते हैं और बैंक रेट भी। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट इट मीन जिस रेट पर सेंट्रल बैंक आपको ब्याज, मतलब कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब कॉमर्शियल बैंक को लोन यदि महंगा मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक को लोन यदि महंगा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? महंगा बांटे। तो महंगा किस कंडीशन में देना चाहिए? इस कंडीशन में जब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, जब ऑलरेडी महंगाई है, तो लोगों के पास से हमें क्या करना है? पैसे कम करना है, राइट। तो पैसे कम कब होंगे? जब वो कम लोन ले पाएंगे। तो यदि रेपो रेट यदि यहाँ बढ़ जाएगी, रेपो रेट बढ़ जाएगी, मान लो कि 10% पर पैसा मिलेगा तो इंटरेस्ट का रेट कम से कम 12% तो हो जाएगा। तो यहाँ पर रेपो रेट को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। और यहाँ पर रेपो रेट को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। जब बैंकों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा, सस्ते दर पर, तो वो सस्ते दर पर पब्लिक को भी बांटेंगे, और पब्लिक को जब सस्ता मिलेगा तो वैसी बात है वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ठीक। तो रेपो रेट को यहाँ इस कंडीशन में कम करना चाहिए, इस कंडीशन में बढ़ाना चाहिए। फोर्थ यदि हम बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जो आप जैसे कभी बैंक में लोन लेने गए, मार्जिन रेट बोला कि 20% है और आपके पास जो संपत्ति है उसकी कीमत 10 लाख रुपए, तो आपको लोन कितना मिलेगा? 20% नहीं मिलेगा, 80% मिल जाएगा, यानी कि आपको 10 लाख की संपत्ति पे 8 लाख का लोन मिल जाएगा। तो जब ये रेट ज़्यादा कब करना चाहिए और कम कब करना चाहिए? ये रेट ज़्यादा इस कंडीशन में कर देना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा रेट रहेगी, ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिएगा, तो जब ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो क्या होगा कि लोन कम मिल पाएगा, और इस केस में क्या होगा? लोन
ज़्यादा बांटना है, ज़्यादा बांटना है तो इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में जो है मार्जिन रेट जो है आरबीआई ने कम कर देना चाहिए। तो मार्जिन रेट को इस समय कम कर देते हैं, मार्जिन रेट को इस समय बढ़ा देना चाहिए। ठीक, तो आरबीआई के ये कुछ मेन टूल्स हैं। इन टूल्स को इन्फ्लेशन है मार्केट में या डिफ्लेशन है, इन दोनों के बेसिस पर जो है इनको डिसाइड करना, राइट, ये डिसाइड करना ही मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको ही मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। इसमें और भी चीज़ें जैसे कि रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट है। इसके अलावा मॉरल सबवेंशन करके एक टॉपिक है, तो वो दरअसल उसमें ये हुआ कि आरबीआई जो है गाइडलाइन वगैरह देती है। वैसे इन सबको आप दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, वो दो एरिए हैं क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव इट मीन जहाँ जिसमें न्यूमेरिकल वे में जो है एक फिक्स नंबर जिसको काउंट किया जा सकता है, तो वो सारे टूल्स जो है वो जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR SLR वगैरह है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये सभी चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव है। इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट और जो अपना मॉरल सबवेंशन है ये क्वालिटेटिव है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन के दौर में इसको कैसे यूज करेंगे, इन्फ्लेशन के दौर में कैसे यूज करेंगे, और डिफ्लेशन के दौर में आरबीआई क्या करती है या क्या करना चाहिए, या जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से गवर्न करती है, राइट। तो ये इसका एक बेसिस है, राइट। तो ये बेसिस को हमने डिस्कस किया। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो अच्छी बात है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और इसको हो सके तो लाइक करो यार, और कमेंट भी करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।